जय बजरंग बली भाइयों, मैं एक बार नई वीडियो में इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यूपी कांस्टेबल की जो भर्ती आई है उसमें 5 किलोमीटर रनिंग कैसे करनी है आपको और क्या क्या प्रोसीजर है उस चीज का, कि आपको स्टार्टिंग में कैसे रनिंग करनी है जो आपका एंड्योरेंस डेवलप हो, फिर बाद में आपको कैसे पेस रनिंग करनी है कि जिससे आपका जो बीच के राउंड है और लास्ट वाला राउंड हो कैसे खींच सके, तो वही मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में विस्तार से। तो आप मेरे चैनल में बने रहें और ध्यान से देखें, आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलने वाली है इससे। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो ध्यान रखें बच्चों, जब भी आप फिजिकल की तैयारी करें तो पहले हमें 10 से 20 दिन जो भी हमारा जो स्टार्टिंग वाला डेज है उसमें हमें प्रोग्रेसिव रनिंग, प्रोग्रेसिव का मतलब है कि आपको धीरे 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 रनिंग करनी है। स्टार्टिंग, अब अगर आप पहली बार रनिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग एक राउंड लगाइए और फिर आप पैदल चलिए, फिर एक राउंड लगाइए, मतलब रुकना नहीं है, अपने आपको मोटिवेट रखना है और रनिंग करते रहनी है। प्रोग्रेसिव रनिंग का मोटिव होता है कि आपको जो एंड्योरेंस है और जो स्टेमिना है वो डेवलप करना है। आपको स्टार्टिंग में प्रोग्रेसिव रनिंग मतलब बहुत धीरे 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 रनिंग स्टार्ट करते चलिए, अपने आप जब बॉडी गर्म होती चली जाएगी। वैसे जैसे आप शुरू करेंगे यहाँ से, मान लीजिए एक राउंड लगा रहे हैं, धीरे 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 लगाते रहेंगे, धीरे धीरे जब आपकी बॉडी गर्म होती जाएगी तो आपकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी अपने आप, आपको पता नहीं चलेगा। और इंडोरेंस आप देख लीजिएगा, आपका डेवलप भी अच्छा हो जाएगा और स्टेमिना अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रोग्रेसिव रनिंग का यही है, हमारा जो भी एथलीट है, मैं खुद एथलीट हूँ, मैं भी अपने इंडोरेंस बढ़ाने के लिए प्रोग्रेसिव ही रनिंग करता हूँ। तो इस रनिंग पर ध्यान रखें आप, स्टार्टिंग में धीरे धीरे करनी है हमें। जो आपका जो फिनिशिंग होगा, मतलब जो आप अगर मान लो कि आप 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हैं, आपने धीरे धीरे स्टार्ट करी, आपको टाइमिंग लगा रखा है आपने स्टॉपवॉच पे, तो आप जब शुरू करेंगे वो याद रखिएगा, और जब खत्म करेंगे ना तो उसमें आपको देखिए कितनी स्पीड से आप खत्म करेंगे। जब फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी होगी और बीच में आपकी रनिंग अपने आप बढ़ जाएगी। तो आप उस चीज का ध्यान रखें, धीरे धीरे रनिंग करनी है ताकि आपका एंड्योरेंस डेवलप हो और आपकी मसल जो है उसमें मसल भी स्ट्रांग हो और आपके जो ऑक्सीजन है बॉडी में वो अच्छा खासा जा सके। दूसरा टिप जो हमारा जो ब्रीथिंग वाला है, सांस कैसे लेनी है। देखो जो रनिंग करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसर हैं या फिर स्प्रिंटर हैं, जितने भी हैं बड़े बड़े जो भी एथलीट हैं, सारे के सारे प्रोसीजर यही करते हैं कि ऐसा तो है कि हम नाक से ही सांस ले लें, प्रॉपर तो नहीं हो पाता। क्योंकि जैसे जैसे आप रनिंग बढ़ाएंगे, तेज करेंगे, वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है, तो हमें मुंह से सांस ले सकते हैं। तो आप मुंह और नाक दोनों से आप रनिंग टाइम पे सांस ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है भाइयों कि गर्मी आ गई है, ध्यान रखना है। गर्मी आने के बाद आपको डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पूरा पानी वानी पीना है दबा के, आपकी बॉडी को पानी की कमी ना हो जाए। इलेक्ट्रोल लो, नींबू पानी लो, जो भी नॉर्मल पानी जितना पी सकते हो पियो, और ट्रेनिंग बहुत दबा के करनी है आपको। जो हमारी अगली टिप्स है बच्चों वो है पेस रनिंग। पेस रनिंग आती है हमारी मिडवेल में, जब आपका एंडोरेंस अच्छा खासा डेवलप हो गया हो, और आप मतलब आप मान लो कि स्टार्टिंग के 20 से 25 दिन आपने डेवलप अपने एंडोरेंस अच्छा बना लिया हो, कर लिया हो, बॉडी अच्छी हो गई आपकी। क्योंकि देखो एंडोरेंस रनिंग करने से प्रॉपर एंडोरेंस तो नहीं बनता, आपको ये पता है और मैं भी जानता हूँ ये चीजें। तो एंडोरेंस के लिए आप रनिंग जैसी खत्म करें, 2 से 3 स्ट्राइड लगाइए, बॉडी खोलिए, उसके बाद प्रॉपर प्रॉपर एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग। देखिए मैंने स्ट्रेचिंग की वीडियो पूरी डाल रखी है आपको, वो आप देख सकते हैं। स्ट्रेचिंग पूरी करिएगा, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग जितनी आप स्ट्रेचिंग करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखो हमारी बॉडी जितनी खुलेगी उतना हमें आराम मिलेगा, तो आप वो चीज करें। जब भी आप रनिंग करें ध्यान रखें स्ट्रेचिंग जरूर करनी है, बॉडी अच्छी मतलब प्रॉपर जो बॉडी खोलने का तरीका, जो मेन मेन ग्लूट्स मसल हो गई, हैमस्ट्रिंग हो गई, काफ हो गई या डक्टर मसल हो गई, ये हमारी खोलेंगे, खोल लो अच्छे से ताकि आपकी जो इंजरीज है उन इंजरी से बच जाओ आप। तो खोलने के लिए 2-3 एक्सरसाइज मैं बता देता हूँ, वैसे मैंने पूरी वीडियो डाल रखी है जो मैं करता हूँ रनिंग से पहले, वो ही मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो पहली एक्सरसाइज जो हमारी है वो ये है, इससे हमारी फ्रंट मसल और ग्लूट मसल काफी खुल जाएगी, तो हम रनिंग अच्छे कर पाएंगे। सेकेंड वाली हमारी ये है, तो ये सारी एक्सरसाइज आप भी करें, और मैंने इस स्ट्रेचिंग के लिए फुल वीडियो डाल रखी है तो आप देख सकते हैं। अपनी हैमस्ट्रिंग को खोले ताकि ये देखिए घुटने सीधे रख के और नीचे ये राउंड थोड़ा सा, थोड़ी सी खोल लें स्ट्रेचिंग ताकि आपको दिक्कत ना हो।
एडक्टर मसल के लिए हमारी स्ट्रेचिंग, जब पैर खुल जाए तो आप कोशिश करें कि जो रनिंग है वो बहुत धीरे धीरे करनी है स्टार्टिंग करें। तो ध्यान रखें जब हम रनिंग करते हैं आते ही सीधे लग जाते हैं, मतलब ऐसे, तो वो गलती ना करें, थोड़ी बॉडी को होल खा लें बढ़िया से। जब स्टार्टिंग करें तो हल्का से ये वाला कर लिए पंजों पर, ये इस तरफ से, ठीक है। तो वही चीज मैं बताने वाला हूँ आपको कि और कौन कौन सी कर सकते हैं। हमारा कैमरा मैन ढीला है, वो चलेगा तो है नहीं, वैसे ही रहेगा स्ट्रीमर। तो मुझे वापस आना पड़ेगा सबको बताने के लिए थोड़ी बहुत। थोड़ी उछल कूद कर लें ताकि आपकी जो है मसल्स खुल जाए, और खुलने के बाद जो आप रनिंग करें शुरू वो धीरे धीरे, देखिए इस स्पीड में बस। बस ऐसे ही आप शुरू करें, जैसे जैसे आपकी बॉडी गर्म होती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, और देखिए कि आप इंडोरेंस बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, मैं पानी पर ज्यादा जोर डालता हूँ, क्योंकि देखो मेरी जब पिछली वाली इंजरी आई थी वो पानी की रिक्वायरमेंट कम थी। तो भाई आप लोग, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ आप लोगों को, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, पानी की मात्रा अपनी बॉडी में प्रॉपर रखें। 5 किलोमीटर रनिंग के बाद आपकी जो डाइट है या आपकी जो स्ट्रेचिंग वगैरह है वो सबकी वीडियो मैंने डाल रखी है। डाइट के लिए आप, अगर मुझे डाइट जो चाहिए आपको प्रॉपर ऑनलाइन हो, ऑनलाइन जो आपकी ट्रेनिंग है, या उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आपका जो डिस्कस है, आपका जो वर्कआउट हो गया या फिर जो डाइट हो गया, उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप, कोई चार्जेस नहीं है उसके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लोगों ने जो भी अपना प्लान दे रखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, जो एक्सपीरियंस है मेरा 10 से 12 सालों का मैं वो देने वाला हूँ आप लोगों को। इसमें कोई आपका चार्जेस नहीं है, मैं कोई पैसे वैसे नहीं ले रहा। तो आप लोग ऑनलाइन के लिए आप कर सकते हैं, मेरे से जुड़ सकते हैं और अच्छा खासा रिजल्ट ले सकते हैं। तो आप जंपर हो, लॉन्ग जंपर हो, या फिर आप, या फिर फिजिकल की कोई भी स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, आप उससे भी आप मुझे वैसे मैसेज करें, अपना वर्कआउट बताएं, उसके हिसाब से मैं आपको वर्कआउट प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ध्यान रखें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और ख्याल रखें जो रनिंग का जो प्रोसीजर है, धीरे धीरे अपना रनिंग करें और टाइमिंग हमेशा लगा करें। और मेन चीज़ बता दूँ, ऐप हमेशा एक अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें, जिससे आपको किलोमीटर पता चलते जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें कर लें। फिनिशिंग कैसे है क्या, एक और मैं वीडियो बना दूंगा जो आपका वर्कआउट प्रॉपर है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर वर्कआउट बता दूंगा, कौन कौन सा वर्कआउट किस दिन कैसे कैसे करना है, वो सारा कुछ मैं बता दूंगा आपको। तो आप वो फॉलो कर लीजिएगा, निकल जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो फिजिकल है, और आप जो को पेपर है मार्च में शायद हो, दोबारा हो जाए, और भगवान करे हो, और आपके जो लक्ष्य है आपने जो बनाया है वो आपको पूरी प्राप्ति हो। तो ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हंसते खेलते अपना वर्कआउट करें, और बढ़िया से पढ़ाई पर ध्यान जरूर लगा, और वर्कआउट जरूर करना है हमें। वर्कआउट नहीं, देखो भगवान ने चांस दिया है तो इस चांस को लिया जाए बढ़िया से। तो मोटिवेट रहे हमेशा और डटे रहे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तहे दिल से धन्यवाद। सेकंड वीडियो, 2-3 वीडियो मेरी आप लोगों ने अच्छी रैंक करवाई है, तो तहे दिल से धन्यवाद आपका। तो चाहता हूँ ये वाली वीडियो भी अच्छी खासी रैंक करे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद भाइयों, बहुत बहुत।